मैं यहीं पे पुरानी दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। आलू का, दाल का, गोभी का, मूली का, मटर का, पनीर का, पापड़ का, टमाटर का, रबड़ी का, कुर्ते का। बाकी सीजन के साथ है जामुन कुल्फी, फालसा कुल्फी। सर 60 रुपए की 100 ग्राम। ये और ये मसाले चाट दिखने में जबरदस्त है ना, उससे कहीं खाने में जबरदस्त है। यूनिक समोसा ये 60 लेयर बताइए जनाब ने इसके अंदर। ये देखिए अपना नॉर्मल देसी समोसा, ये विदेशी। क्या चुका हमारा मिक्स वेज पराठा शरीयाम, इसके अंदर स्टफिंग करके कुल्फी की, रेसा फ्लेवर की दाल, मूंग की दाल के वड़े। खा रहे हैं तो इसको हजम भी तो करना पड़ेगा। मजा आ गया दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। भाई आज हम खड़े हैं दिल्ली के दिल यानी कि चांदनी चौक में, और आप देख सकते हैं पीछे हमारे लाल किला और यहाँ के जितने भी फेमस फूड जॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका नटराज दही बल्ले, पराठे वाली गली और सात मटके वाली चाट और जापानी समोसा, ये सब अपनी वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए मेरे साथ दोस्तों, हम इस एंड से उस एंड तक अपनी पूरी फूड वॉक आपको दिखाने वाले हैं। इस एंड का मतलब रेड फोर्ट से फतेहपुरी मस्जिद तक हम अपनी पूरी फूड वॉक आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस एरिया की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मंदिर है, आगे आप देखेंगे तो गुरुद्वारा है, फिर हमारे राइट साइड में चर्च है, और हम अपनी वॉक जो वहाँ एंड करेंगे वहाँ पर मस्जिद है। सबसे बड़ा मैसेज इस वीडियो का यही है कि आप समझ सकते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च एक साथ इस जगह पर है, तो यह है इस जगह की सबसे बड़ी खूबसूरती। आइए मेरे साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं यहाँ के बहुत ही फेमस मनोहर ढाबा, और यहाँ पर मिलता है भाई जापानी समोसा। जापानी समोसा हिंदुस्तान के अंदर, वो भी चांदनी चौक के अंदर, कैसे मिल रहा है, कैसी इसकी शुरुआत हुई, चलिए जनाब से पूछते हैं। आइए मेरे साथ। नाम जापानी स्वाद हिंदुस्तानी, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या है ये जापानी समोसा? शुरुआत हुई 1924 में लाहौर में। अच्छा, पार्टीशन से पहले लाहौर में हमारी दुकान शुरू हुई थी 1924 में, पार्टीशन तक 47 तक वहाँ लाहौर में रही। तो फिर पार्टीशन के बाद जब इंडिया आ गए हमारे बुजुर्ग लोग, फिर 2 साल काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने, तो वहाँ से बिल्कुल जीरो हो के आए थे। फिर 1949 में इस मार्केट में शुरू किया था चांदनी चौक में, इसका नाम है लाइन 9 में। हाँ, इसी जगह पर। हाँ, तो तकरीबन कितना साल हो गया? 75 साल हो गए। 75 साल, तो क्वालिटी चलते हुए पूरी सेंचुरी हो गई। अच्छा, क्वालिटी वही बरकरार है जो पहले कभी होती थी इसकी? 1924 में शुरू किया था, 2024 में खड़ा है, पूरी सेंचुरी हो गई। अच्छा, क्वालिटी तो वही होगी, क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है, लेकिन पैसे तो इसमें प्राइस का जरूर फर्क आया होगा। उस टाइम तो एक आने के 2 समोसे होते थे, आज 60 रुपए। एक आने के 2 समोसे और आज 60 रुपए के दो। 1924 में जब शुरू किया था हम लोगों ने, उस समय कच्चे कोयले पे पकाए जाते थे, तो आज भी इसको कच्चे कोयले पे पकाते हैं। मतलब आज भी कोयले पे ही बनाए जा रहे हैं? आज भी कोयले पे ही। ये कौन से मतलब ऑयल में ये बनते हैं? तो रिफाइंड ऑयल में। रिफाइंड ऑयल में बनते हैं जी। तो ये अपने भटूरे के साथ भी छोले सर किए जाते हैं? भटूरे के साथ भी छोले सर किए जाते हैं, जापानी समोसे के साथ भी यही किया जाता है। अब बात आती है जापानी समोसा, वो तो दिखाइए, उसके दीदार तो कराइए। चलिए भैया आप टेस्ट करते हैं जापानी समोसा और अपनी प्लेट लगवाते हैं। हाँ जी जी, लगाइए हमारे आगे। पहले आपके जापानी समोसे के साथ हमारे पिंडी चने। पिंडी चने, तो ये इसके साथ थोड़ी सी पालक की ग्रेवी है। अच्छा, पालक की ग्रेवी ऊपर से डाली जाती है? हाँ जी, बहुत स्पेशल ग्रेवी आई है, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा आ गया इसमें प्याज, अनियन आ गया, थोड़ी सी आ गई ग्रीन चटनी, आ गया आपका स्पून, आ गया आपका 60 लेयर्स वाला जापानी समोसा। 60 लेयर वाला? हाँ जी। वही आप देखो, बड़ा यूनिक समोसा ये। 60 लेयर बताइए जनाब ने इसके अंदर? 60 लेयर हैं इसमें। तो बड़ी मुश्किल से बनता होगा ये, या आदत बन गई है? बहुत टाइम लगता है, 5 घंटे लगते हैं बनाने में। अच्छा, अब ये देखिए, ये समोसा वो है जो आप हर जगह खाते हैं। जी जी जी, ये पूरे इंडिया में आपको ये समोसा मिलेगा। ये देखिए अपना नॉर्मल देसी समोसा, ये विदेशी यानी कि जापानी समोसा, क्या बात है। ये आ गया आपका जापानी समोसा, ये आ गया जापानी समोसा, आपकी जापानी समोसे की प्लेट। अब खाइए और फिर मुझे बताइए क्या क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसका टेस्ट लेते हैं और आपको बताते हैं इसका स्वाद कैसा है। इसके अंदर आप देखेंगे 60 लीटर के अंदर ये बनाया गया समोसा है, और आलू की इसके अंदर फिलिंग है, आप देख सकते हैं। चलिए भाई इसकी बाइट लेता हूँ और आपको बताता हूँ इसका स्वाद। मैं यहीं पे पुरानी दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, मेरी 69 ईयर एज है, और इस दुकान पे हम लगभग मैं 55-56 साल से खा रहा हूँ। मैं
और इनका जो जापानी समोसा है इंडिया के अंदर नंबर वन है। इनके छोले बहुत टेस्टी हैं, भटूरे छोले भी बहुत बढ़िया बनते हैं। हम 55 साल हो गए मेरे को इनके यहाँ खाते हुए। इनके जापानी समोसे जो बने हुए हैं ये लाहौर से पाकिस्तान से चले हुए हैं, ये लाहौर के हैं। इसको बोलते हैं, इसको हमारे पंजाबियों में सतपुड़ा बोलते हैं। और इनका यहाँ पे नाम जापानी समोसा दिया गया है। यहाँ पर कोई महंगा भी नहीं है, सब सस्ता सामान देते हैं। भाई जापानी समोसे खाने के बाद वीडियो में थोड़ा पॉज आया क्योंकि बरसात हो गई है, और बरसात जैसे ही बंद हुई है हम निकल पड़े हैं अब जलेबी खाने के लिए, क्योंकि बरसात के बाद जलेबी खाने का मज़ा ही कुछ और है। आप देख सकते हैं पूरा भी बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है, तो चलिए मिलते हैं आपको अपने जलेबी वाले पे। गाइस फाइनली अब हम आ चुके हैं जलेबी वाला, बहुत ही फेमस है और ये 1884 से है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। ये बात मैं उनसे पूछूंगा कि 1884 का मतलब बहुत ही पुराना, 100 साल 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो चलिए पूछते हैं भैया कितना पुराना है आपका? नहीं बता पाएंगे। अच्छा बता नहीं पाओगे, कौन बता पाएगा? अच्छा तो भैया किंग को पता नहीं है, ये कह रहे कि हम नहीं बता पाएंगे। तो एक बार रेट लिस्ट देखिए आप, 600 रुपये के जी यहाँ पर जलेबी का रेट है, और मिनिमम जलेबी मिलेगी आपको 60 रुपये की या फिर 90 रुपये की विद रबड़ी के साथ। तो आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं और मुझे बताइए कि आपके वहाँ जलेबी का क्या रेट है? थोड़ा सा मुझे महंगा लगा है। चलिए जलेबी लेते हैं और टेस्ट करते हैं। तो हमारे लिए करो भैया। ये आ चुकी है इनकी गर्मा गर्म जलेबी। जलेबी का साइज देखिए, ये जलेबी मुझे मिली है 100 ग्राम जलेबी 60 रुपये में। सबसे खास बात यह है कि ये देसी घी में बनी है। भाई टेस्टी तो है लेकिन थोड़ी महंगी है। भाई जलेबी खाने के बाद अब बारी है यहाँ के पराठे टेस्ट करने की, तो चलते हैं आइकॉनिक गली में पराठे वाली गली और मिलते हैं आपको वहाँ पर। आइए मेरे साथ। भाई जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, अगर हम चांदनी चौक आते हैं और पराठे वाली गली नहीं आते तो हमारी ये फूड वॉक बिल्कुल अधूरी मानी जाएगी। तो हम आ चुके हैं कन्हैया लाल दुर्गा प्रसाद पराठे वाली गली में, बहुत ही फेमस और बहुत ही आइकॉनिक शॉप है ये। तो जनाब से मिलते हैं, ये है इसके ओनर। मैंने ऐसा सुना है ऐसा कोई नेता या अभिनेता नहीं है जो ये दुकान पे जिसने विजिट नहीं किया हो, क्या सच है ये? बड़े बड़े नेता, अभिनेता, फिल्म स्टार और बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर आकर खाने का स्वाद ले चुकी है। तो फिर भी सच है मतलब ये बात? देखेंगे फोटो लगी हुई, अक्षय कुमार, रणवीर कपूर, इम्तियाज अली वगैरह वगैरह सब यहाँ पर आ चुके हैं खाना खाने के लिए। और देसी घी में बनाते हैं हम लोग खाना। देसी घी बनता है सारा खाना? 7 पराठे के साथ 3 सब्जियां होती हैं, 2 चटनी होती है और अचार होता है। सारा खाना पुरानी दुकान अपनी 149 साल 149। बताओ कंप्यूटराइज वाली स्पीड में ऐसे गिना दिए पराठे कि जैसे मुझे वहाँ पता कब से बचपन से याद है। एक बार वो बता दो हमें कौन कौन से पराठे मिलते हैं? आलू का, दाल का, गोभी का, मूली का, मटर का, पनीर का, पापड़ का, टमाटर का, रबड़ी का, कुर्चन का, केले का, काजू का, करेले का, नींबू का, पुदीने का, हरी मिर्ची का, बेसन मेथी का, चीज का, गुड़ का, मिक्स प्याज का और टमाटर का, हर किस्म का पराठा मिलता है यहाँ पर। तो आप हमें कमेंट में बताइए भाई आपने कौन कौन से पराठे सुने, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, हम वो टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा। भाई साहब की स्पीड बिल्कुल कंप्यूटर वाला, बुलेट ट्रेन भी फेल है। चलो चलते हैं पराठे टेस्ट करते हैं। मिक्स वेज आ चुका मेरा, मिक्स वेज पराठा गर्मा गर्म मिक्स वेज। उसका उसके साथ आप देख सकते हैं भाई ये केले का अचार है, सॉरी केले की चटनी है, आलू मटर की सब्जी है और ये आलू की सब्जी है ड्राई वाली, ये सीताफल की, और ये लौकी और गाजर का अचार। ये है मेरा मिक्स वेज का पराठा। एक पराठा और आने वाला हमारा मिर्ची का पराठा, और इस तरह से इस प्लेट की कीमत है 100 रुपये। और दूसरा पराठा लेंगे हम तो कीमत हो जाएगी हमारी प्लेट की 200 रुपये। सारी मिक्स वेज इसके अंदर। अक्सर आपने घरों पे हमारे घरों में जो पराठा बनता है उससे बहुत ही डिफरेंट है। इसको डीप फ्राई किया जाता है देसी घी के अंदर, तो इसको पूड़ी बोलना है पराठा बोलना दोनों ठीक रहेगा। मेरी नज़र में ये पराठे से ज़्यादा एक पूड़ी हो गई है बड़ी वाली। केले की चटनी ये थोड़ी यूनिक है। वाह
चिली मिर्ची का पराठा, मिर्ची का पराठा ये देखिए बाप रे बाप, इतनी मिर्ची देखिए कभी पराठे के अंदर, वो सिर्फ आपको पुरानी दिल्ली में मिलेंगे ये नजारे। ये लौकी का अचार था, ये मैंगो का अचार है, बहुत ही खट्टा है, और ये है ये गाजर का अचार। चाय चौक की गलियों की ना यही बात है, इनमें जो लाइक नान खटाई खाई, नान खटाई देखो, ये सारे जो खजाने हैं ये छुपे हुए हैं और ये सिर्फ आपको चांदनी चौक के अंदर ही मिलेंगे, जो हमारा ये लोकल स्ट्रीट फूड है। मतलब ये देखो क्वालिटी देखो, एकदम खस्ता, एकदम फ्रेश और गरम नान खटाई भैया ने अभी बनाई है। क्या रेट इसका? सर 60 रुपये की 100 ग्राम। 60 रुपये की 100 ग्राम, क्या बात है, एकदम लाइक मिलेगा आपको फ्रेश, अपना इंडियन हो रहा है सर, इसी के ऊपर बनता है। भाई चांदनी चौक आए और ये जैन स्नैक्स कॉर्नर पर हम विजिट ना करें ऐसा हो नहीं सकता, तो हम आ चुके हैं जनाब के पास। यहाँ की रबड़ी और यहाँ का फालूदा बड़ा फेमस है, बताओ कुछ अपने बारे में। स्वागत सर आपका जैन स्नैक्स कॉर्नर में। सर हमारे पास ये रबड़ी है, सारी रबड़ी का सेटअप है, ये 10 तरीके की करीबन रबड़ी है हमारे पास, जिसके अंदर शुगर फ्री रबड़ी, शाही पिस्ता रबड़ी, ड्राई फ्रूट खोया रबड़ी, केसर, एक चंदन केवड़ा रबड़ी होती है हमारे पास, एक पान रबड़ी होती है। तो इस तरह से कितनी रबड़ी है टोटल? टोटल करीबन हमारे पास 10-11 रबड़ी, 12 फ्लेवर्स हैं। अच्छा, और ये आप दिखा रहे थे कुल्फा। हाँ, ये सब रबड़ी हो गई, चॉकलेट रबड़ी, गुलाब रबड़ी, ये हमारी बेस्ट सेलिंग है शाही केसर रबड़ी। शाही केसर और ये आम का कुल्फा है, ये नेचुरल आम है, दशहरी आम, इसके अंदर स्टफिंग करके कुल्फी की केसर फ्लेवर की, फिर ये पील ऑफ करके काट के हम सर्व करते हैं। ऐसे ही सर ये सेब होता है, ऑरेंज सेब, सेब वाली बोतल दूंगा निकाल, सेब है, ऐसे सेब के अंदर कुल्फा बनता है। के लिए भाई हम लोग, ये कितना पुराना है ये जॉइंट, कितना पुराना है फूड जॉइंट? सर ये वाला जॉइंट जो है 40 साल पुराना है। 40 साल पुराना, हमारे जो दूसरा काम था 1790 से वो है घंटे वाला शायद, भाई 40 साल से इसी जगह पर था, 40 साल इस जगह को हो गए हमारे अंदर, रेस्टोरेंट से शुरुआत हुई थी हमारी। अच्छा, वहाँ हमारा रबड़ी कब से खजाना शुरू करा आप? रबड़ी को हमारे को सर कई साल हो गए, अब तो बहुत साल हो गए, उनको यहाँ पर आना एक तरह से मैंडेटरी है। अगर आप चांदनी चौक आए और इसके बाद मीठे की क्रेविंग होने वाली है, तो ये पॉइंट रहने वाला आपको मीठे की क्रेविंग करने के लिए। अच्छा, रबड़ी कोई चुरा ना ले, सिक्योरिटी पूरी टाइट कर रखी है आपने? हाई फाई सिक्योरिटी है रबड़ी के लिए, इनकी रबड़ी टेस्ट करते हैं। हमें कौन सी रबड़ी खिलाएंगे आप? हम सर आपको केसर खिलाएंगे और आपको हम खिलाएंगे पिस्ता। अच्छा, पहली बार आए हो तो आप सर दोनों टेस्ट कीजिए। केसर रबड़ी, केसर शाही केसर रबड़ी हमारी, इसको आप देख सकते हैं अच्छी खासी टॉपिंग में ड्राई फ्रूट डाले हैं और ये खजूर डाला है। ऊपर मत रखना ये रबड़ी है। चलिए इसकी बाइट लेता हूँ, ये ना मजेदार। तो इनकी ये हॉट सेलिंग आइटम है, इसके बाद भैया चुकी है इनकी दूसरे वाली हॉट सेलिंग पिस्ता रबड़ी। ये देखो आप पिस्ता रबड़ी, थोड़ी मीठी है अपनी ये रबड़ी। फिनिश करता हूँ और आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट फूड डेस्टिनेशन में। भाई आज मैं आपको बहुत ही यूनिक शॉपर लेकर आया हूँ, आपने अक्सर सुना होगा वो चीज दुकान फीका पकवान, लेकिन यहाँ पर मामला दूसरा है, उल्टा है, छोटी दुकान और बहुत ही ऊंचे पकवान। तो ये 2x4 की दुकान है और यहाँ पर ये खिला रहे कम से 30-40 साल से, बहुत ही फेमस यहाँ पर कांजी वड़े और दही बल्ले। तो चलिए इनकी चाट चखते हैं और मजे लेते हैं। बड़ी छोटी सी दुकान ले रखी है लेकिन आपकी चाट बड़ी दूर दूर तक फेमस है। हाँ जी सर। कितनी पुरानी शॉप है अपनी? 30 साल। क्या क्या मिलता है? दही बल्ला, बल्ला पापड़ी, पापड़ी चाट, कांजी वड़ा। कांजी वड़ा, तो हमें क्या ट्राई करना चाहिए? आप ये कांजी वड़ा कर लो या बल्ला, बल्ला भी कर सकते हो। अच्छा, बल्ला या बल्ला पापड़ी? बल्ला पापड़ी में बल्ला भी हो और पापड़ी भी हो। क्या रेट रखा, प्राइस बताइए पहले तो। कांजी वड़े का 40 है। अच्छा, 40 रुपए का एक ग्लास। हाँ जी। कितने वड़े आएंगे? 4 पीस। और बल्ला पापड़ी 50 रुपए। बल्ला पापड़ी पहले, पहले एक ग्लास लगाइए कांजी वड़े का। पहले कांजी वड़ा या दही बल्ला? पहले बल्ला ले लो, फिर बल्ला दे दो। पहले बल्ला पापड़ी की प्लेट लगवाते हैं जी। एक चाट बनाने का तरीका जो है बड़ा जबरदस्त है, बड़ा ही अनोखा है। आप देख सकते हो दुकान के अंदर ही बैठे हुए भैया, तो यहीं से ये लोगों को ये प्लेट लगा कर देते हैं। ये कांजी वड़े का मटका है, ये मीठी चटनी भैया। हाँ।
ये हरी चटनी है। तो भाई ऐसा कहा जाता है जो भी चांदनी चौक आता है इनकी चाट खाए बगैर नहीं जाता, ये सच बात है क्या? सच बात है। इसका प्राइस बताया आपने? 50 रुपए। ये देखिए भाई, ये आ चुके हैं मेरी चांदनी चौक की फेमस चाट 50 रुपए वाली। बहुत ही सॉफ्ट भल्ले हैं, ऊपर से दही और ये मसाले और हरी चटनी। भाई जितने ये चाट दिखने में जबरदस्त है ना, उससे कहीं खाने में जबरदस्त है, बड़ा ही जबरदस्त इसका जायका है। ये जी अपना कांजी वड़ा, इसके अंदर राई होती है भैया, ये राई का पानी और ये वड़े, वड़े की चीज के मूंग की दाल के वड़े, ऊपर से डाली हरी चटनी, ये दे दी चम्मच और ये मेरा ग्लास। भाई इतना सारा खा रहे हैं तो इसको हजम भी तो करना पड़ेगा। ये मूंग की दाल के वड़े हैं, ये भी बहुत ही सॉफ्ट हैं, देखो इस तरह से ये ब्रेक हो गए, सॉफ्ट स्मूथ एंड टेस्टी। जब से मैं चांदनी चौक आ रहा हूँ तो मैं ये कांजी वड़ा यहाँ पर ज़रूर ट्राई करता हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। मज़ा आ गया। और आप देख सकते हैं उधर है फेमस नटराज दही भल्ला कॉर्नर, तो आप दिखाएंगे, आप जैसे ही निकलेंगे पराठे वाली गली से जस्ट उसी के सामने है दही भल्ला, तो चलिए दिखाता हूँ। हालांकि मैं टेस्ट नहीं करूँगा, ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, दही भल्ले मैंने वहाँ पे टेस्ट कर लिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी भीड़ रहती है यहाँ पर। आइए भाई, अगर आप चांदनी चौक आते हैं तो नटराज दही भल्ले भी यहाँ पर ज़रूर टेस्ट करिएगा। इसके अलावा मिलती है इनकी ये बहुत ही जबरदस्त और खस्ता टिक्कियाँ, 70 रुपए की इनकी प्लेट है जिसमें आपको 2 दही भल्ले दिए जाएंगे। ये तो थी आज की हमारी चांदनी चौक की फूड वॉक, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। आपको जल्दी मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट फूड वॉक में। चलो भैया।